9 साल की छोटी सी उम्र में आरुषि प्रजापति ने नवप्रीत संगीतालय में अपने क्लासिकल नृत्य की शुरुआत की। 14 साल की उम्र में आते आते आरुषि प्रजापति ने लुधियाना में हुई ऑल इंडिया डांस स्पोर्ट फेडरेशन नेशनल प्रतियोगिता में अपने हुनर से सबको आश्चर्य में डाल दिया है। आरुषि प्रजापति ने नेशनल प्रतियोगिता में क्लासिकल नृत्य करके तीसरा स्थान प्राप्त करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। आरुषि के इस परफॉर्मेंस के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मुरादाबाद के नवप्रीत संगीतालय के गुरु प्रीति सिन्हा से संगीत और नृत्य गीत ट्रेनिंग ली है, जिसके चलते आज वे इस मुकाम पर पहुंची हैं। आरुषि प्रजापति ने अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरु प्रीति सिन्हा का भी धन्यवाद किया है, जिन्होंने आरुषि को कामयाबी की बुलंदी पर पहुँचा दिया। नवप्रीत संगीतालय के गुरु प्रीति सिन्हा ने बताया कि उनके संगीतालय से कई बच्चे उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से वे अपनी शिक्षा को एक आयाम दे सके। मेरा नाम आरुषि प्रजापति है और मैं 9 साल की थी तब से मैं कथक सीख रही हूं और म्यूजिक भी सीख रही हूं। और मैं नवप्रीत संगीतालय में, मेरी टीचर का नाम प्रीति सिन्हा है। और अभी कुछ दिनों पहले लुधियाना पंजाब में मेरा ऑल डांस स्पोर्ट फेडरेशन की तरफ से नेशनल डांस चैंपियनशिप था, जिसमें मुझे 3rd प्राइज मिला है। और इसके लिए मैं अपने माता पिता और सबसे पहले अपने गुरु का बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं ये प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूँ। मेरा ये नवप्रीत संगीतालय के नाम से इंस्टीट्यूट है। ये प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से एफिलेटेड संस्था है। पिछले 25 वर्षों से ये संस्था चल रही है। यहाँ से बहुत बच्चे पास आउट होकर के निकल चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर अपनी जीविका कमा रहे हैं। बहुत से बच्चों ने इसको अपना मेन एम बना लिया है। तो कितने बच्चों ने अब तक प्रतिभाग किया है बाहर के टूर्नामेंटों में? बहुत बच्चों ने प्रतिभागी बहुत बच्चे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह पे सफल हुए हैं। इसका मुझे हर्ष है कि बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और ये आरुषि प्रजापति वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स है मेरे यहाँ, मेरे संस्था की। और एक शिक्षिका के लिए तो ये बहुत गौरव की बात होती है कि उसके बच्चे आगे बुलंदियों पे पहुंचे और देश विदेश में अपना परचम लहराएं। और मेरी ये शुभकामना सब बच्चों के साथ है कि वो बहुत आगे बढ़ें।